हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टाग्राम रील्स के लिए इस तरह से सारी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी उस वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि हम इस साड़ी के बदले किसी और साड़ी को कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, इस साड़ी को पहले डिलीट करना है। डिलीट होने के बाद आपको गाइस, आप जो भी साड़ी यहाँ पर लगाना चाहते हैं, आपको उसको पहले PNG इमेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड करना है। आपको पिक्सल लैब की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करते ही गाइस, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, आपको बीच में न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको एक वाइट बैकग्राउंड को इसमें सेलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस, आपको वाइट बैकग्राउंड को इसमें सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नॉन रेसिस्टिव वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको शायरी को इसमें लिखना है। जो भी शायरी आप लिखना चाहते हैं आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने शायरी को पेस्ट कर दिया है। आपको भी इसी तरह से शायरी को यहाँ पर लिख देना है, या फिर आप शायरी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से गाइस, आपको शायरी को अच्छे सेट करना है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से स्क्रीन पर सारी आ जाएगी। आपको इसको अच्छे से यहाँ पर एडिट करना है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ए वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस, आप जो भी कलर इसमें लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। गाइस, अगर आप अलग अलग कलर भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो आपको नीचे ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें भी आप कलर को यहाँ पर लगाना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें ब्लैक कलर को लगाएंगे। अब यहाँ पर गाइस, आपको इस तरह से इसको सेट करना है। यहाँ पर गाइस, आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप इस तरह से लगा सकते हैं। अलग अलग कलर भी इसमें लगा सकते हैं। आपको नीचे साइड से इसको सेट करते जाना है और कलर को लगाते जाना है। यहाँ पर गाइस, आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप इसमें लगा सकते हैं अच्छे सेट करके। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर को यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस, आपको राइट साइड में इसको स्क्रॉल करना है इस तरह से। यहाँ पर गाइस, आपको एक फॉन्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस, आप जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट को इसमें लगा सकते हैं। गाइस, हम इस वाले फॉन्ट को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस, आपको फिर से राइट साइड में इसको स्क्रॉल करना है इस तरह से। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, स्टाइल वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस, आप इस तरह से शायरी को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस, हम इसको एडिट कर लेंगे। राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप इनको लगा सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से स्क्रीन पर लग चुकी है। अब आपको इस शायरी को PNG में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसपेरेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आप देख सकते हैं हमारी शायरी PNG इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी इमेज गैलरी में सेव हो चुकी है। अब गाइस, हम इस शायरी को वॉलपेपर में लगाकर आपको दिखाएंगे। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम उस शायरी को लगाएंगे। उस शायरी को लगाने के लिए आपको पहले इस वाली शायरी को डिलीट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको डिलीट करना है। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वॉल पर क्लिक करना है।
यहाँ पर गाइस आपको उस शायरी को सिलेक्ट करना है इस तरह से, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं अब हमारी शायरी है जो स्क्रीन पर आ चुकी है। इस तरह से आप इसको अच्छे सेट करके इसको लगा सकते हैं। गाइस आप इसी तरह से किसी भी शायरी को लिखकर PNG इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।